हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस एंड कन्वर्जन ऑन फिंगर टिप्स के एपिसोड नंबर 5 में आपका फिर से स्वागत है। एपिसोड नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले एपिसोड में पढ़ा था एल्डोल रिएक्शन क्या होते हैं, एपिसोड 2 में पढ़ा था बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक बार आप इसे सोचना इसमें क्या होता है। एपिसोड नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि बैकमैन रिएजमेंट क्या होता है। एपिसोड नंबर 4 में हमने पढ़ा था बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट क्या होता है। आज हम अल्फ़ाबेट बी से ही एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे और ये बी अल्फ़ाबेट का आखिरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले, बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, एक बात बता दूं कि बेंजोइन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बेंजोइन कंपाउंड का नाम होता है। जी बेंजोइन कंपाउंड का नाम होता है, इसे हम कहते हैं बेंजोइन। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच और ये पीएच, इसका नाम है बेंजोइन। इस रिएक्शन में ये बेंजोइन बनता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं या बेंजोइन रिएक्शन भी कहते हैं। हाँ, ये रिएक्शन होता कैसे है? जो है बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसे कहते हैं, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दें अल्कोहलिक केसियन के साथ, केसियन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो बेंजल्डिहाइड के दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर इसके कुल n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा होता है, फिर हम सीखेंगे ये कैसे होता है। बिल्कुल, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, एक ये मॉलिक्यूल था और दूसरा ये मॉलिक्यूल था। जी, ये आपस में जुड़ते कैसे? इनके कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये जुड़ेंगे कैसे? ये तभी जुड़ेंगे ना जब इन पे एक एक बॉन्ड घट जाएंगे। तो इनके यूं समझो कि एक कार्बन का एक बॉन्ड यहां से कम हुआ और ये वाला दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ये डबल बॉन्ड यहां पर, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ये डबल बॉन्ड यहां से टूटा, ये टूटा और इनके कार्बन आपस में जुड़ गए। इनके कार्बन आपस में जुड़ गए ऐसे, और जो ये H है यहां पर आ गया, यूं समझो ऐसे, यही ये जो बना अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और दोनों तरफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसी का नाम है बेंजोइन, बेंजोइन। ये N मॉलिक्यूल्स, अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हैं और सभी अगर रिएक्शन कर जाते हैं तो इसके बनेंगे n by 2 मॉलिक्यूल्स, और अगर कुछ रिएक्शन नहीं कर जाते, जैसे ये 100% मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें कुछ परसेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करते हैं, तब तो ये n by 2 से भी कम प्राप्त होगा। अर्थात यहां पर जो प्रोडक्ट होगा ये इसका जो भी मोल होगा जो रिएक्ट करने वाले हैं उसका हाफ होगा। इसकी जो भी संख्या होगी, जैसे इसके कुल 100 मॉलिक्यूल में से 80 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट यहां पर 40 मॉलिक्यूल्स के बनेंगे और इसके 20 मॉलिक्यूल वैसे ही रह जाएंगे। ओके, तो ये मैं आपको बोल रहा था कि ये है इनके इसमें ये बने, ये रिएक्शन के बहुत ज्यादा वर्सेटिलिटी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आता, जो भी आता है वो सिर्फ इसी बेंजल्डिहाइड पे ही आता है। तो ये एक ही रिएक्शन आपको याद रखना है, या यहाँ पर एरोमेटिक रिंग चेंज करके फ्यूरेन लिख सकता है, या एरोमेटिक रिंग चेंज करके नेप्थलीन लिख सकता है, बस ये एरोमेटिक रिंग चेंज करके यहाँ पर ग्रुप कोई लगा सकता है, तो ये एरोमेटिक चेंज होकर के ग्रुप लगेगा, तो आप इसी मेथड से चाहें तो काम कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन होता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। इसको यहां से इसका मैकेनिज्म हमें देखना है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेस्ट जी, इसका मैकेनिज्म मैं सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। यू समझो एक बर्तन है, जी ये स्मार्ट बोर्ड तो कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए, है ना। एक बर्तन, बीकर है, ठीक है। इसमें ढेर सारे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ढेर सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड भरे हुए यहां पर, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसकी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं। इसमें हम भेजेंगे एल्कोहलिक केसियन, लेकिन एल्कोहलिक केसियन की मात्रा हम ज्यादा नहीं लेते, एल्कोहल केसियन की मात्रा कम लेते, ठीक है। ये एल्कोहलिक केसियन जैसे इसके अंदर एंट्री करेगा तो हम सब जानते हैं कि केसीएन का सी एन माइनस है ना, ये सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बनके इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है यहां पर। और अगर मान लो इसकी संख्या 100 है और ये आपने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो ये 10 मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड पर अटैक कर जाए, ठीक है। ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा पीएच सी ओ माइनस, ये आ जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पर एच। अच्छा, ये जुड़ा है, ये वापस रिवर्स भी जा सकता है, यहां पर ये जहां पर देखो नेगेटिव चार्ज होगा वहीं पर के रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो के प्लस यहां रहेगा, नेगेटिव चार्ज सी एन के साथ होगा तो के प्लस सी एन के साथ रहेगा ये। अच्छा, ये सी एन माइनस रिवर्सिबली निकल भी सकता वापस, अगर ये सी एन माइनस निकल गया तो यहां पर प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस मिलके आपस में क्या करेंगे, वापस फिर से बॉन्ड बना लेंगे जी, तो ये आपस रिवर्स भी जा सकता। और मैं आपको बताऊं इसमें और क्या होता है कि यहां से एच माइनस ट्रांसफर भी हो जाता है, कैसे, ये एच माइनस, ये माइनस चार्ज ऊपर है तो ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, पर अगर ये माइनस चार्ज इस सी पर आ जाए तो रेजोनेंस होने के चांसेस हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहां से निकलता है ये एच, ये एच, यहां से ये एच प्लस निकलता है और वो इस ओ से जाके जुड़ जाता है, ये एच प्लस, और यहां पर जब जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के जाएगा जी, यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये ओ के साथ जाके जुड़ गया और ये बन गया पी एच सी ओ एच, और यहां पर आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, यहां पर ये माइनस चार्ज, एच माइनस ट्रांसफर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ये इसका रिवर्स प्रोसेस ज्यादा होगा क्योंकि यहां का जो कार्बन एन होगा ये कार्बन एन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, आप देख लो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें रेजोनेंस होगा क्योंकि ये सी एन ग्रुप के साथ इट कैन शो रेजोनेंस। With CN, it can show resonance. ये दोनों में रेजोनेंस करता रहे, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये O माइनस की जगह यहां C माइनस बन गया और ये यहां पे शिफ्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊं इस ये इसकी संख्या कितनी होगी, अगर मान लो इस पे 10 मॉलिक्यूल ने अटैक किया है तो इसकी संख्या 10 होगी और 90 अभी भी इस प्रकार के एल्डिहाइड वहां पर प्रेजेंट होंगे, फिर क्या होगा, ये कार्बन एन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हुए बचे हुए दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करता, इट अटैक ऑन द रिमेनिंग एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं, जीवन बिल्कुल शांत है, वहां पर ये कार्बन एन अटैक करता है यहां पर इस कार्बन पर। और यहीं पर ध्यान से देखिएगा, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन आपस में अटैच होने जा रहे हैं। अच्छा, इसके बनेंगे कितने, जितने ये एनायन होंगे उतने एल्डिहाइड पर इसका अटैक होगा और उतने एडिशन प्रोडक्ट यहां पर बन जाएंगे, ये बन जाएगा पीएच
COH C OH 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 C O
CH-OH। अच्छा इसके यहाँ अटैक, अब देखो K प्लस कहाँ होगा, इस केस में K यहाँ होगा, इस केस में K यहाँ होगा, इस केस में K यहाँ होगा, जहां जहां माइनस होगा वहीं वहीं पर K होगा, ये बन जाए। फिर आपको बता दूं कि आप यहां पर ये O माइनस नेगेटिव चार्ज है और इसके हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होने का एक वजह तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, और इसके वजह दूसरी वजह जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की जो दूसरी वजह है कि ये इसके साथ जुड़ा जो सी एन माइनस है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है जो कि माइनस है, माइनस हाई ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन की एसिडिटी को थोड़ा और बढ़ा देता है, तो ये ओ माइनस यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेता है और ओ पर माइनस आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन चुरा लिया और ये बन जाएगा पी एच सी ओ माइनस सी एन और ये बन जाएगा सी एच ओ एच। देखो अलग अलग बुक्स में अलग मैकेनिज्म दिया गया है, ये जो मैकेनिज्म मैं आपको लिखा रहा हूँ दिस मैकेनिज्म इज गिवन इन रिएक्शन मैकेनिज्म ए गाइड बुक ऑफ मैकेनिज्म बाय पीटर साइक्स, और पीटर साइक्स के मैकेनिज्म में आपने देखा होगा हु बहु जे एडवांस में, या आपने कभी क्वेश्चन डायरेक्ट उसी बुक से पूछे गए है ना, इन बुक्स को ऑथेंटिक बुक्स माना जाता है, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को भी क्या मानेंगे, अगर आपके सामने कई सारे मैकेनिज्म हो तो जो ऑथेंटिक बुक में मैकेनिज्म हो वही मैकेनिज्म करेक्ट होता। देखो मैकेनिज्म किसी को देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, मैकेनिज्म एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा होता होगा, हमें सिर्फ इतना मिला है कि जब हमने 100 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के मोहल्ले में कुछ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहलिक केसीएन हमने डाला तो जितने एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से आधा या आधे से कम हमें बेंजोइन प्राप्त हुए। अभी कैसे प्राप्त हुए, जिसने रिसर्च किया था उसने अपने मैकेनिज्म को दिया और जब वो मैकेनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं तो उनका पेपर रिसर्च पेपर में पब्लिश होता है। तो ये मैकेनिज्म जो होता है ये एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म कि ऐसा होता होगा भाई, और रिएक्शन होते हुए कोई देख नहीं पाता, उसमें कुछ प्लस पॉइंट होते हैं कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, जिस मैकेनिज्म में मिनिमम डीमेरिट होता है, जिस मैकेनिज्म का मिनिमम नेगेटिव पॉइंट होता है वही मैकेनिज्म को हम ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, वही मैकेनिज्म एक्सेप्टेड मैकेनिज्म होती है। मैंने भी रिसर्च पेपर दिया, मैंने भी कुछ नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नई तरीके से किया हुआ है, गूगल पे डालेंगे तो आएगा, लेकिन वो मैकेनिज्म मैंने दिया हुआ है कि भाई ये ऐसा होता होगा, हो सकता है फ्यूचर में उस मैकेनिज्म को कोई गलत सिद्ध करे। अभी तो रिसर्च पेपर पब्लिश है, जापान ने भी पब्लिश किया, केमिकल सोसाइटी ऑफ जापान में भी पब्लिश है और अमेरिकन जर्नल्स में भी पब्लिश है, ऑस्ट्रेलियन जर्नल्स में भी पब्लिश है। ओके ये कई सारे रिएक्शन, ये थोड़ा मैं बड़ा बना दूं, मैं मिटा रहा हूं, गलत नहीं ये, बस बड़ा के लिए, ये रहा पी एच, ये बन गया ठीक है। आप ध्यान दें ये O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये सी एन माइनस यहां से फिर बाहर निकल जाएगा। अब ये सी एन माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा ऐसे और बन जाएगा पी एच सी ओ ओ सी एच ओ एच एंड पी एच, इसी को हम कहते हैं बेंजोइन। देखो इसमें हुआ क्या है, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए बीच से, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ये बीच से जुड़ गए, बस एक एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है कम हुआ है वो दूसरे एल्डिहाइड के साथ कार्बन पे जाके ऑक्सीजन से जुड़ गया। यस ये मतलब मैकेनिज्म में ये दोनों के कार्बन आपस में अटैच हो गए। ये कैसे हुआ, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन पहले O पर ट्रांसफर हुआ, फिर ये कार्बन कार्बन से जुड़ा, फिर इस O से दूसरे OH पर ट्रांसफर हो गया। तो इसका छोटा मैकेनिज्म अगर कोई बोले याद करने के लिए तो आप क्या, इसका छोटा मैकेनिज्म या तरीका टू मेक प्रोडक्ट, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे है ना, एक ही एल्डिहाइड दूसरा ही एल्डिहाइड, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन वहां चला जाएगा और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे ठीक है।
यूं ऐसे समझो, बिल्कुल ऐसे समझो कि ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, ये हाइड्रोजन या माइनस, ये इसके साथ जुड़ गया और ये ओ इसके साथ जुड़ गया और ये बन गया पी एच सी ओ एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये है तरीका टू मेक प्रोडक्ट। इसमें दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। जी अब एक बात बताऊं कि पहले नहीं, 2006-07 के पहले जो है ये सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था जेई का, उसमें एक बार पूछा, कई एक बार क्या एक दो बार पूछा गया है कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए सबसे बेहतरीन रिएजेंट जो कैटलिस्ट होता है या जो रिएजेंट होता है जो बेंजोइन कंडेंसेशन कराता है, जो एल्डिहाइड को बेंजोइन में कन्वर्ट करता है, वो एल्कोहलिक केसीएन ही क्यों नहीं होता, वाई नॉट अदर रिएजेंट, है ना, वाई एल्कोहलिक केसीएन इज कंसीडर एज बेटर रिएजेंट फॉर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और रिएजन नहीं, एन ए ओ एच एन एस एच ये सब नहीं, एन ए ओ टी ये सब को हम नहीं लेते, एन ए ओ टी नहीं लेते, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यस, इस तरह से और रिएजेंट हम क्यों नहीं लेते। इसके पीछे रीजन जो मैं आपको बता दूं, पहला रीजन, फर्स्ट रीजन, रीजन वन, पहला रीजन बेटा ये जान लो कि सीएन माइनस जो होता है एक बेटर, सीएन में माइनस में कार्बन पर माइनस चार्ज होने की वजह से ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इट इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और जब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड पर आसानी से अटैक कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक थोड़ा मुश्किल होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पे जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो इस पे सी एन माइनस का जो अटैक होता है ये स्लो होता है, या न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे स्लो होता है, मुश्किल से होता है, स्लो होता है, तो कॉन्सेंट्रेट एन कॉन्सेंट्रेट हमें लेना पड़ता है, तो एक तो अटैक स्लो होता है बेंजल्डिहाइड पर, और जो सी एन माइनस है, कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, भाई कार्बन अच्छा होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद हेलोजन होते हैं, पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटता है। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि इन पीरियाडिक टेबल अगर आपसे पूछा जाए कार्बन का न्यूक्लियोफाइल सी एस थ्री माइनस और एन एस टू माइनस और ओ एच माइनस और एफ माइनस में पूछा जाए कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर घटता है, तो कार्बन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक इजिली ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू आपको बताया जाए, इट हेल्प इन एच हाइड्रोजन ट्रांसफर। ये यहां पर देखिए, हाँ हाँ ठीक है, तो ये यहां पर अगर सी एन माइनस है और ये H जब यहाँ से हटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, H प्लस इसको छोड़ के यहाँ चला गया, जो H प्लस ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन का माइनस, अगर यहाँ सी एन है तो वो सी एन के साथ माइनस चार्ज क्या रेजोनेंस करेगा, लेकिन अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल होता, जैसे यहाँ पर आपने पी एच और यहाँ पर ओ एच और ये ओ ई टी ले लिया होता, तो ये माइनस का रेजोनेंस नहीं होता, तो ये एच का ट्रांसफर यहाँ पर टफ हो जाता, ठीक है, तो जो सी एन माइनस की वजह से है वो एच प्लस का ट्रांसफर कार्बन से ऑक्सीजन पर आसानी से होता है, तो इट प्रमोट ट्रांसफर ऑफ एच प्लस फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। बाय स्टेबलाइजिंग एनायन, बाय स्टेबलाइजिंग एनायन। नेक्स्ट तीसरा, अगला, नेक्स्ट, हाँ
तीसरा तीसरा इसका क्या काम है, इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप आल्सो, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने की वजह से जैसे इसने काम किया, मैं पीछे चलता हूं, ये इससे जुड़ा H को ट्रांसफर में मत देखो, इसमें जल्दी से जुड़ा, एक तो ये काम इसने किया, ऊपर से इस H प्लस के ट्रांसफर में हेल्प करके इस स्टेप को आगे बढ़ाया, फिर इसके बाद जैसे ही ये कार्बन आपस में जुड़ गया सारा काम हो गया, तो यहां से आसानी से कार्बन को छोड़ के भाग गया, तो इट इज आल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप भी अच्छा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है यहां पर, लिविंग ग्रुप भी अच्छा हो रहा है यहां पर, दोनों ही कैरेक्टर इसके अच्छे हैं कंपेयर किया जाए बाकियों के, तो उसके कंपेयर में अगर बात किया जाए तो ये तीसरा कैरेक्टर है, इट्स ए या इट लीव कंपाउंड इजिली, आफ्टर रिएक्शन इट लीव कंपाउंड इजिली आफ्टर, या इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। नॉट वेरी गुड, कंपेयर किया जाए तो थोड़ा ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होगा, ओके। तो ये तीनों कारण से इसको लिया जाता है, तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो आपके जो है जब ITJEE का दो पेपर होता था, एक स्क्रीनिंग पेपर होता था उसमें बच्चे सेलेक्ट होते थे, और फिर जो सब्जेक्टिव पेपर होता था एडवांस के लिए उसमें आपको पेपर जैसे बोर्ड में मिलता वैसे पेपर मिलता था, कुछ सेलेक्टेड बच्चों को ऊपर क्वेश्चन लिखे होते थे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे लिखना होता था, रिएक्शन आपको पूरा करना होता था, मैकेनिज्म आपको पूरा करना होता है, रीजन आपको लिखना होता था। अभी तो सिर्फ क्या है कि आपको चार ऑप्शन में से एक टिक करना होता है, उसमें भी आप परेशान रहते हैं, ठीक है, कि रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा कैसे, जिसके लिए मुझे सीरीज स्टार्ट करना पड़ा आपके डिमांड पे, तो बेहतर है कि आप मैकेनिज्म को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए और हर क्वेश्चन हर कन्वर्जन बहुत आसान हो जाए। तो बस इतना ही याद रखना कि एल्कोहलिक KCN जो होता है ये आपके सर्सन रीजन या ट्रू एंड फॉल्स या किसी कारण में पूछा जा सकता है, और बेंजोइन कंडेंसेशन में बस एक बात याद रखना कि दो एल्डिहाइड के कार्बन आपस में जुड़ेंगे जिसमें एक हो जाएगा एल्कोहल दूसरा वैसे रहेगा, एक हो जाएगा एल्कोहल और दूसरा जैसे है वैसे रहेगा, बस। अब चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन पे। जी पहला सवाल सेम क्वेश्चन है, अब इसमें क्या लिखूं, जो मैंने बताया वही पर लिखा दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये PHC डबल बॉन्ड O CH OH और ये PH, जानबूझ के यहां पर हमने कुछ नहीं लिखा। हाँ इसी को अगर मुझे यहीं पर हम कोई ग्रुप लगा दें, यहीं पर हम कोई ग्रुप लगा दें, वो ग्रुप अगर एल्कोहलिक KCN से रिएक्शन नहीं करता है तो वो ग्रुप पैरा पोजीशन पे पड़ा रहेगा, रिएक्शन लगेगा थोड़ा कठिन हो गया, ओके। नेक्स्ट एक और, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड से बनेगा बेंजोइन। अच्छा सुनो ये बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड से क्या बना, बेंजोइन। नेक्स्ट अगला, ये नाम है, इसका नाम बताओ, फर फ्यूरल डिहाइड लिखा तो जाता है फुरफुरल डिहाइड, नाम इसे फरफ्यूरल डिहाइड कह सकते हैं, फरफ्यूरल डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे उसी मेथड से, तो आप क्या करेंगे, ये मेरे रिसर्च का हिस्सा है, ये वी गेट दिस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस पे ज्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो रिएक्शन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उस पे प्रैक्टिस कम करेंगे, पर मैं मिशन 100% मतलब मिशन रैंक 1 डिजिट,
ये हम चला रहे हैं। तो इसमें हम ऐसा नहीं है कि हमारा काम तो हमें सिलेक्शन तो बहुत कम रिएक्शन से ही हो जाएगा, बहुत कम रिएक्शन पढ़ के ही हम सेलेक्ट हो जाएंगे, पर हम 100% करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हमारी रैंक 1 डिजिट आए या हम टॉप 100 के अंदर आए, ये हमारी इच्छा है। इसलिए मैं हर उस रिएक्शन को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका एल्डोल था। अगर उसको इंपॉर्टेंस की सीरीज में रखा जाए तो उसको 7 स्टार मिलेगा और उसके बाद के बाकी 3 रिएक्शन वो 5 स्टार सीरीज में है और जो बेंजोइन कंडेंसेशन है ये 3 स्टार सीरीज में है। लेकिन बाई चांस किसी रिएक्शन के बीच में अगर ये पूछ लिया जाएगा तो पूरा नॉलेज होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये सिखा दे रहा हूँ। ओके, 3 स्टायरीन आप जानते हैं, ये स्टायरीन होता, अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं ओजोन H2 और जिंक और 1 इक्विवेलेंट है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो याद रखना इसके बेंजीन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और बेंजीन वाला जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेंजीन, और ये बॉन्ड जो है ये साइकिल के अंदर ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, एक पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का पार्ट है जो गोल गोल घूम रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज पाई बॉन्ड है, ये थोड़ा कम स्टेबलाइज पाई बॉन्ड है, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप ओजोन H2O जिंक से रिएक्शन कराएंगे और ये 1 इक्विवेलेंट होगा तो ये इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा और एक ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन पर, दूसरा ऑक्सीजन राइट कार्बन पर और तीसरा जिंक के साथ मिलकर ZN जिंक ऑक्साइड बना देगा, ये बन जाएगा एंड वी गेट, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगा ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा प्राप्त होगा फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें एक ए होगा, एक ए डैश होगा, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, ये एलिफैटिक, अब इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन अभी अभी आपने देखा था एल्कोहलिक केसियन के साथ कराते हैं तो बी बनता है, एल्कोहलिक केसियन का मतलब हुआ बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन या बेंजोइन रिएक्शन कह सकते हैं आप इसे, एल्कोहलिक केसियन अभी अभी बेंजोइन रिएक्शन, और इस बेंजोइन रिएक्शन में ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा PHC OH और ये बन जाएगा आपका PH। और एक बात याद रखना, एल्कोहल को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो इसे कहते हैं ये H2O2 और Fe, इसे लिख सकते हैं H2O2FeSO4, इसका नाम होता है फेंटन्स रिएजेंट, इस फेंटन रिएजेंट से अगर आप रिएक्शन करा दीजिए तो जानते हैं क्या होगा, ये जो एल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज जाता है और ये बन जाता है बेंजील, और इससे पहले आपने एक बेंजील इसके बेंजील का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं और H+ आयन की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो बन जाता है बेंजीलिक एसिड, मतलब ये है बेंजीलिक एसिड, ये बन जाएगा PHCOH PHC। देखो मैं आपको हर लेक्चर को कनेक्ट करके बता रहा हूं, तो कोई अभी मैं ऐसा रिएक्शन नहीं बता रहा हूं कि जो आप, हो सकता है आप लोगों को में से बहुत सारे बच्चों जानते हो पर कुछ बच्चों को ना पता हो, तो मैं अभी वो रिएक्शन कनेक्ट कर रहा हूं जो मैंने पीछे पढ़ा, तो धीरे धीरे जब बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे तो मैं बहुत सारे चीजों को कनेक्ट करके कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन भी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो अभी हम ये बना बेंजीलिक एसिड, तो बेटा ये रहा आपका दिस वन, ये कंपाउंड रहा आपका ये, ए कंपाउंड जो होगा ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, इट्स ए कंपाउंड रहा, जो बी कंपाउंड रहा ये फॉर्मल्डिहाइड, जो सी कम जो सॉरी ए डैश ए डैश जो बी कंपाउंड रहा ये आपका बेंजोइन, ये आपका बी कंपाउंड है, और जो सी कंपाउंड रहा ये बेंजील, इट्स सी, और जो डी कंपाउंड है वो ये आपका
जिसे कहते हैं बेंजिलिक एसिड। अब ये कन्वर्जन क्या हम पीछे के रिएक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं? यहां पर एक नई बात है, हालांकि ये बात नई नहीं है क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा है या 12th में भी पढ़ा है कि डबल बॉन्ड का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो ओजोनोलिसिस होता है और एक ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन पर दूसरा ऑक्सीजन राइट कार्बन पर जुड़ जाता है ना। इसमें और भी बातें और भी कुछ चीजें हैं छिपी हैं, हमने भी ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म एक बार देखेंगे पर आगे चल के देखेंगे। ओके तो यहीं पर एक नई बात है, बाकी ये मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, ये नई बात याद रखना। फेंटन रिएजन क्या करता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जी। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, H2O2 का एक ऑक्सीजन निकलेगा और वह यहां से हाइड्रोजन चुरा के इसको बेंजिल में कन्वर्ट कर देगा। यह बेंजोइन है, बेंजोइन है और यह बनेगा बेंजिल। तो चलिए यह था आपका बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, यह समाप्त हुआ। यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वगैरह है उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कभी किसी कन्वर्जन में, जैसे यहां पे मैंने ए से बी में कन्वर्जन में यह बता दिया, अब अगर आपको यह कन्वर्जन नहीं पता होगा तो आगे की गाड़ी आप नहीं बढ़ा पाएंगे। एडवांस में क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारे सिलेबस में है और एरोमेटिक एल्डिहाइड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। अब वो नाम तो नहीं लिखता लेकिन कभी कभी इसको लिख देता है और हमें पता नहीं चलता, ठीक है, और क्वेश्चन में आ जाता। तो एडवांस लेवल की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए जरूरी है। ये जेई मेन्स में नहीं पूछा जाएगा, नीट में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा अगर तो सिर्फ जेई एडवांस में पूछा जाएगा या आईएएस की एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है उसी के जैसे है कैनिज़ारो रिएक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली, थैंक यू।